इन द फिगर एट कॉन्स्टेंट वोल्टेज। अब यहाँ पर जो डायोड यूज हुआ है, समझने की कोशिश करना, देखो जब कभी भी मैं पढ़ाता हूँ तो मैं यही बात बताता हूँ कि जब तक बताया नहीं जाएगा डायोड को आइडियल लेंगे। तो यहाँ पे जो डायोड यूज इन सर्किट हैज ए कॉन्स्टेंट वोल्टेज ड्रॉप 0.5, मतलब डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप 0.5 है इस सर्किट में। अब पोटेंशियल ड्रॉप है ना, बैरियर पोटेंशियल नहीं है यार, पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा डायोड का। हाँ, करंट एंड मैक्सिमम पावर रेटिंग 10 मिली वाट, डायोड का जो पावर है वो 100 मिली वाट है और इसके क्रॉस पोटेंशियल 0.5 वोल्ट है, ऐसा बताया जा रहा है। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर, इस आर की वैल्यू कितनी हो, ठीक है, इन सीरीज है डायोड मैक्सिमम करंट फ्लो हो। तो मैक्सिमम करंट फ्लो होने के लिए ये जो डायोड है इसमें देख लेते हैं, जब इसका पावर है, पोटेंशियल ड्रॉप है, तो इसके क्रॉस करंट भी तो निकाला जा सकता है। तो करंट पावर इज इक्वल टू होता है आई बी, प्यारे बच्चों, तो करंट इज इक्वल टू पावर अपॉन वोल्टेज। तो पावर कितना हो जाएगा बोलो, तो पावर हो जाएगा 100 मिली, मतलब होता है 10 की पावर -3 और वोल्टेज 0.5। तो यहाँ से जो करंट आ जाएगी उसको 100 मिली, मतलब 10 की पावर -1 और यहाँ से इसको ऐसे कर लेते हैं 5 आ जाएगा, मतलब 0.2 एम्पियर करंट आ जाएगी। अब डायोड के क्रॉस जो करंट आ जाएगी वो 0.2 एम्पियर करंट आ रही है और यही करंट इस रेजिस्टेंस के क्रॉस फ्लो होगी, क्योंकि यार दोनों सीरीज में हैं, तो जितनी करंट डायोड से जाएगी इतनी करंट तो रेजिस्टेंस से भी जाएगी, 0.2 एम्पियर इससे गई तो 0.2 एम्पियर इससे भी जाएगी। तो कुल मिला के अगर 0.2 एम्पियर अगर इससे जाती है, समझना इसको, तो 0.2 एम्पियर इससे जाती है रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो वोल्टेज ड्रॉप, अब देखो यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस इस डायोड का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप है, पावर है, करंट है, तो इस डायोड का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इसके अक्रॉस भी इज इक्वल टू आई आर लगा देते हैं, तो इस डायोड का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा भी अपॉन आई, तो इस डायोड की रेजिस्टेंस, वैसे भी बिना रेजिस्टेंस कैलकुलेट किए भी इसको कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो रेजिस्टेंस, क्योंकि जब यहाँ जब ये 0.5 यहाँ ड्रॉप हो गया तो यहाँ कितना होगा सीरीज में, भाई अगर ये दो सर्किट है डायोड का रेजिस्टेंस कुछ होगा, ठीक है, और ये प्लस माइनस कैलकुलेट कर सकते हैं वहाँ से, हमें लगता ज़रूरत नहीं है फिर, तो 1.5 वोल्ट है, तो जब 0.5 वोल्ट इधर यूज हो गया डायोड के अक्रॉस हो गया तो इधर कितना हो गया, तो इधर आ गया 1 वोल्ट, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा यार, 1.5 - 0.5 दैट इज 1 वोल्ट, बराबर है। तो इसमें करंट कितना है 0.2, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू तो आ जाएगी ना, वी इज इक्वल टू आई आर, तो रेजिस्टेंस आई इज इक्वल टू वी अपन आई, तो वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज है 1 और आई है 0.2, तो 0.2 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 ओम इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी, अगर इतना करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी रेजिस्टेंस 5 ओम आ जाएगी, दैट इज सी ऑप्शन सही है। तो आई होप कि समझ में आ गया, बहुत आसान है, डायोड से करंट निकालो, डायोड से करंट निकालो, डायोड का कुछ रेजिस्टेंस है, निकाल भी सकते नहीं भी निकाल सकते, ज़रूरत नहीं लगा मुझे, नहीं निकाला। जब 1.5 लगाए हो तो 5 इधर ड्रॉप हो गया, तो 1 वोल्ट इधर ड्रॉप हो गया, इसका वोल्टेज आ गया और इसमें करंट पहले से पता था, इसका रेजिस्टेंस आ गया। वेन ए NPN ट्रांजिस्टर यूज ए एम्पलीफायर, अगर NPN ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के टर्म में यूज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल किधर मूव करेंगे, देखो।